the vibe that you're distant. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल. उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे. मैं बहुत टाइम से अपने ब्लॉग्स में बोल रही थी कि इस बेडरूम को मुझे अब थोड़ा सा डेकोरेट करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि घर को सजाना मुझे कितना ज्यादा अच्छा लगता है. अपने पर्सनल टचेस देना बहुत ज्यादा पसंद है. इस घर में आए हुए हमें 3 मंथ्स हो गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये रूम खाली खाली कैसा लगता था और अभी हमने इस रूम के लिए क्या क्या चीजें ले ली है. अगर आपको एम्प्टी हाउस टूर याद हो तो ये वाला रूम उस टाइम पे खाली खाली कुछ ऐसा सा लग रहा था. मुझे शुरू से ही ये वुडन वॉल बहुत ज्यादा पसंद था और इस वॉल को मैं एम्प्टी रखने वाली हूँ, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना ज्यादा खूबसूरत है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस रूम में अभी क्या क्या चीजें हैं. तो यहाँ पे है एक साइड टेबल, उसके ऊपर एक लैम्प है, बेड है, बेडरूम है तो बेड तो हो गई. ये बेड और मैट्रेस हमने कॉस्को से लिया था. ये वाला फुल लेंथ मिरर भी कॉस्को से ही है. मुझे अपने बेडरूम में एक फुल लेंथ मिरर चाहिए था और मिरर को मैं बेड के अपोजिट नहीं रख सकती थी, इसलिए मुझे उस कॉर्नर में रखना पड़ा. पहले वहां पे भी एक बेड साइड टेबल था जो मैंने वहां से हटा दिया है. कर्टन्स भी हमने विनर से लिया था. अब बेड के अपोजिट है ये वाला एरिया और मुझे स्पेशली इसी वाले एरिया को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, बिल्कुल ड्रीम कॉर्नर बनाना है. ये कारपेट लिया हुआ था, अभी तक हमने बिछाया नहीं था. ये हमें सेल में मिल गया था कॉस्को से $100 में. ये वाला चेस्ट ऑफ ड्रॉअर जो कि मैंने वेफेयर से लिया था, आप लोगों ने देखा ही और काफी लोगों ने बोला था कि ये थोड़ा छोटा है, बट एग्जैक्टली मुझे छोटा ही चाहिए था. 3 ड्रॉर्स हैं इसमें और ये मेरे लिए एनफ है. मुझे अपने बेडरूम में एक क्यूट सा सिटिंग कॉर्नर बनाना था, इसीलिए मैंने छोटा सा चेस्ट ऑफ ड्रॉअर लिया ताकि मेरे पास स्पेस हो और मैं ये चेयर यहाँ पे रख सकूं. पिक्चर फ्रेम्स मैंने पहले ही दिखा दिया था आप लोगों को, विनर से लिया था मैंने. और प्रिंट्स मैंने कैनवा पे डिजाइन किया है और प्रिंट आउट मैंने वॉलमार्ट से लिया है. बहुत ही क्यूट प्रिंट्स आए हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. तो चलिए फिर काम पे लगते हैं. पहले थोड़ी सी सफाई करते हैं, कारपेट बिछाते हैं और फिर करते हैं डेकोरेट. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? कारपेट रखते ही ना रूम में कोजी कोजी वाली फीलिंग आ जाती है, स्पेशली विंटर्स में. कितना भी सुंदर सा बेडशीट बिछा लो बट ठंड है तो कंफर्टर तो बिछाना ही पड़ता है. और यहाँ पे वो कलर्स कहाँ मिलते हैं. एक ब्लू वाला जो मैं हमेशा बिछाती थी, बस वही एक है थोड़ा कलरफुल. जब भी मैं ये बेडशीट बिछाती हूँ ना, मैं वो जयपुरी रजाई बहुत मिस करती हूँ. नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इंडिया जाऊंगी या फिर इंडिया से कोई आएगा ना, मैं पक्का मंगवाऊंगी. वो वार्म भी होता है और इतना सुंदर भी होता है. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? Gallery wall का यही fun होता है कि आप pictures को different position पे रख के पहले देख लो कि कौन सा style आपको पसंद आ रहा है, उसके बाद ही wall पे लगाओ. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. Everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. सारे प्रिंट्स इतने कलरफुल है ना, व्हाइट वॉल्स पे जैसे जान आ गई हो. और ये सारे मैंने कैनवा पे ही डिजाइन किए हैं और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि मैं कैसे डिजाइन करती हूँ. तो मैंने भी ट्यूटोरियल से ही सीखा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कैनवा ट्यूटोरियल, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मिल जाएंगे सिंपल वे में जो सिखा देंगे कि आप कैसे बना सकते हो. बहुत ही सिंपल होता है. जब मैंने ये पिक्चर्स डिजाइन किए थे ना, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया था, लाइक मेरा फेवरेट था. बट एक बार ये जब वॉल पे लग गया ना पिक्चर्स, तो मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है. जितना ही ये सिंपल है उतना ही ब्यूटीफुल लग रहा है. इस वाले कॉर्नर को थोड़ा सा और ड्रीमी बनाते हैं, फिर ही लाइट्स ऐड करते हैं. तो ये वाले लैंटर्न्स मैं हैंग करूंगी कर्टन रॉड से. सिंपल थ्रेड से या जूट रोप से आप ऐसे वाले लैंटर्न्स हैंग कर सकते हो. मैंने पहले भी किया है, क्योंकि ये वाले लैंटर्न्स ना बहुत हल्के होते हैं और कोई गिरने का डर नहीं होता. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never
अगर आपके पास पुराने कॉटन के अच्छे प्रिंट वाले या फिर ब्रोकेट के या एम्ब्रॉयडरी की हुई कोई दुपट्टे का कपड़ा हो गया, पुरानी सूट का कपड़ा हो गया, तो आप उसको कट करके भी फ्रेम में लगा सकते हो। पर मेरे पास ऐसा कोई पुराना कपड़ा था नहीं, इसलिए ये तीनों प्रिंट्स आप देखोगे थोड़ा बहुत रिजेंबल करते हैं, ऐसा लगता है कोई कॉटन के कपड़े पे प्रिंट है। जैसे ये ब्लू वाला तो मुझे बिल्कुल बाटिक प्रिंट टाइप का लुक आया, इसलिए मैंने ये तीनों एक जैसे सेलेक्ट किए। वॉल डेकोरेट हो गया, लैंटर्न भी लग गया और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉअर मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर लिया है। सबसे ऊपर वाले ड्रॉअर में मैंने ऑफिस का लैपटॉप और उससे रिगार्डिंग सारे पेपर्स रखे हैं। यहाँ पे सारे मेकअप की चीजें मैंने ऑर्गेनाइज करी हैं, इसमें नेल पेंट, लिपस्टिक, रब बैंड, सारे ब्लैक क्लिप्स जो मैं डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं और ये सेफ्टी पिंस जब ढूंढो तब मिलता नहीं है। ये ऑर्गेनाइजर्स मैं डॉलर स्टोर से लेके आई थी ना, काफी अच्छा है। इस तरह से सॉर्ट करके चीजें रखो ना तो जब भी कुछ चाहिए होता है इजीली मिल जाता। और यहाँ पे हैं कुछ और एक्स्ट्रा चीजें, चूड़ियां हैं जो मैं डेली यूज नहीं करती हूँ, ट्रैवल करते टाइम ये वाला बैग मैं यूज करती हूँ सारी मेकअप की चीजें रखने के लिए। तो ड्रॉअर्स हो चुके हैं ऑर्गेनाइज, अब इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए। यहाँ पे मैंने ज्यादा कुछ नहीं रखा है, बस एक स्नेक प्लांट, आप लोगों का प्यार और मेरे सारे फेवरेट बुक्स, स्पेशली ये वाला। There's something about you that's different. I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading on. We've been here before. मैं ना बेड पे इस साइड पे सोती हूँ, इसलिए मैंने अपने वाले वॉल के साइड पे ये शेल्फ लगाया है जिसपे की बहुत ही क्यूट क्यूट सी चीजें रखने वाली हूँ, ताकि मैं सुबह उठ के जब भी इसे देखूँ या फिर रात को सोने जाऊँ तो मन बिल्कुल अच्छा अच्छा हो जाए। और बेड के साइड पे ना ये वाला बास्केट रख रही हूँ मैं एक्स्ट्रा ब्लैंकेट के लिए, मॉर्निंग में उठ के ना कभी कभी ठंड लगती है। बेड साइड टेबल पे मैंने बस एक लैंप रखा है और एक छोटा सा ट्रे, मेरी ना आदत है रात को सोते टाइम कभी कभी मैं इयर रिंग्स खोल के रखती हूँ। और कितना प्यारा लिखा हुआ है ना, लव टर्न्स अ हाउस इनटू अ होम, और एक छोटा सा कैंडल। इस वाले बेड साइड टेबल पे ना नीचे भी स्पेस है, तो डेली जो केयूश के साथ मैं बुक रीड करती हूँ ना वो रख दिया है, और एक एक्स्ट्रा डायरी है। और ड्रॉअर में मैंने रखा है एक नोटबुक, पेन, बोरोलिन जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेडिसिन जो मुझे एवरी नाइट खानी होती है। First time I saw you, I was so nervous to talk. Happened so fast, went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid to fall in love. My past relationship was a disaster. But now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal. And now I don't feel broken anymore. मेरा ड्रीमी बेडरूम डेकोर बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये कॉर्नर मेरे इमेजिनेशन में पता नहीं कब से था, आज जाके वो रियलिटी बना है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये डेकोर कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और आपके बेडरूम में ऐसी कौन सी चीज है जिसे सुबह सुबह उठ के देखना आपको बहुत अच्छा लगता है, ये भी कॉमेंट करके बताना। घर को सजाने का सबका अलग अलग तरीका होता है और कोई भी सही या गलत नहीं होता, क्योंकि वो आपका घर है और आपको वैसे ही सजाना चाहिए
चाहिए जैसे आपको अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप जरूर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ ब्यूटिफुल मेमोरीज। बाय बाय। With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.